24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। खजराना वार्ड क्रमांक 39 के ताजनगर में शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय व्यवस्था और सुविधाओं के मामले में शून्य है, जहां आज सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। स्वच्छता अभियान में इंदौर तो नंबर वन आ गया, लेकिन ऐसे क्षेत्र और स्कूल का क्या? आज भी जहाँ सफाई के लिए लोग तरस रहे हैं, शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय में पहले से 8वीं कक्षा तक संचालन हो रहा है। 350 से 400 बच्चे व अध्ययनरत है, लेकिन उनको पढ़ाने वाली सिर्फ 5 शिक्षिका है, जिस वजह से बच्चे पढ़ने के समय भी खाली घूमते रहते हैं। वहीं एक क्लास में 3 से 4 क्लास के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि स्कूल में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, ना ही बच्चों के लिए व्यवस्थित प्लेग्राउंड है, ना ही पीने के लिए साफ पानी। वहीं बारिश के टाइम क्लासरूम में पानी भर जाता है, लेकिन बच्चों और टीचर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राउंड में एक गड्ढा खोद रखा है, जहां बारिश का गंदा पानी भर रहा है, जिससे वह कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे मेन चीज तो फर्नीचर की प्रॉब्लम है। फर्नीचर नहीं होने से बच्चे 6th, 7th, 8th क्लास में इवन जो है बच्चे ठीक से वो बैठ नहीं पाते हैं। क्लासरूम में पानी आता है। अभी क्लासेस हमने दिखाई भी इधर ले जा करके, चूहों ने मतलब टाइल्स निकली हुई है और बिल जो है चूहों ने बड़े बड़े बिल बना रखे हैं, इससे पानी की जो है यहाँ पे इसमें आपने कहीं शिकायत की आपने बताया आपके उच्च अधिकारियों को बताया कि दिक्कत दिया है, देख के सब जाते हैं मगर आते नहीं। पार्षद को लिख के भी दिया है कि भाई इसको बंद करो या फिर हम 1.5 महीने से खुदा हुआ है, हम लोग भी नहीं थे। टीचर यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर 14 टीचर है फिलहाल में, कितने 14 में से मतलब 5 और 4, 9 टीचरों की रियलो में लगी हुई ये 2 तारीख से। हमने कितनी बार लिख के दे दिया कि बच्चों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है, मगर वो काम भी तो करना है, घर घर जाके करना है, तो उसे भी। इसकी शिकायत पार्षद रुबीना इकबाल खान को भी की गई, लेकिन कोई उचित कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। यहाँ झंडा वंदन करने बड़े बड़े नेता तो आ जाते हैं, लेकिन समस्या का निराकरण कोई भी नहीं कर पा रहा है। खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, कीचड़ बहुत है, वो शिक्षक का कम है, उनको क्या ब्यूरो के ड्यूटी पे लगा दिया सरकार ने। ये बच्चे देख रहे ना बाहर घूम रहे हैं, क्या भविष्य इनका, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास होंगे ये? बात करी है, देखो मैं एक आम आदमी हूँ, टीचरों के उसमें बात करी, उन्होंने बोला भैया यहाँ पीने का पानी नहीं है, लेटरिन के दरवाजे टूटे हुए हैं, गड्ढा खुटा हुआ है, बोरिंग 2-2 है, बाकी बोरिंग चालू नहीं है, मीटर नहीं है, लाइट है, पंखा है, बाकी लाइट नहीं है, कंप्यूटर है बाकी खराब है, और टीचर नहीं है, ठीक है, यहाँ बच्चे हैं बाकी पढ़ाने वाले नहीं है, 17-18 नाम के टीचर है बाकी 5 अवेलेबल है, एक क्लास में 3 से 4 क्लासेस लग रही है और एक टीचर 4-4, 5-5 क्लासों को पढ़ा रही है, तो कैसे हमारा भविष्य सुधरेगा? जब पार्षद हमारे पास बोर्ड लेने आ सकता है तो हमारी समस्याएं सुनने नहीं आ सकते हैं क्या? हम ही जाएंगे क्या? और इंसान रहूंगा वार्ड क्रमांक 39 है, अब पार्षद कौन है क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है।